आप दोस्तों आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा जामा मस्जिद के सामने हूं और हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब भी हैं और उनके अलावा और भी कुछ खास मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ईद भी सामने है, रमज़ान भी चल रहा है और कोविड का भी मामला है, तो यहाँ मौलाना साहब की तरफ से, कमेटी की तरफ से लोगों को में बेदारी लाई गई है। उन्हें कहा गया कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि दूरी भी बनाए रखिए। इन्हीं चंद बातों पर हम बात करेंगे मौलाना साहब के साथ, उसके अलावा और भी कुछ खास मेहमान के साथ। आइए हमारे साथ। आप दोस्तों आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा जामा मस्जिद के सामने हूँ और हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब भी हैं और उनके अलावा और भी कुछ खास मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ईद भी सामने है, रमज़ान भी चल रहा है और कोविड का भी मामला है, तो यहाँ मौलाना साहब की तरफ से, कमेटी की तरफ से लोगों को में बेदारी लाई गई है। उन्हें कहा गया कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि दूरी भी बनाए रखिए। इन्हीं चंद बातों पर हम बात करेंगे मौलाना साहब के साथ, उसके अलावा और भी कुछ खास मेहमान के साथ। आइए हमारे साथ। आज आप लोगों ने जो यहाँ मास्क बांधा उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह बात जहन नशीन रहे कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी मोहलिक वबा की शिकार हो रही है और न जाने कैसे कैसे लोग आए दिन रास्ते चौक चौराहे पर लाश बनकर घूम रहे हैं और तरह तरह की परेशानियों में क्या कहते हैं लोग गिरफ्तार हैं। ख़ासकर हिंदुस्तान की जो हालत है वो नागुफ्ता भी ही है और ऐसे आलम में सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि हम एहतियात बरतें और एहतियात वो बरतें जो हमारी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ है, उन गाइडलाइन के मुताबिक हमें अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सैनिटाइज़र करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, भीड़ भाड़ की जगह से परहेज़ करना और इसको फैलने वाले जो भी काम है उससे अपने आप को बचाए रखना। लिहाजा इन्हीं के पेश नज़र हमने अपनी मस्जिद यानी टिकियापाड़ा जामा मस्जिद से हमारे कमेटी के लोगों ने मिलकर ये पेशकश की कि हम क्यों ना ऐसा करें कि लोगों में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें, मास्क तकसीम करें, ताकि इसलिए कि इस मौलिक वबा को रोकने के लिए मास्क जो है बड़ी अजीम चीज़ बताई गई है, बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है और मास्क के ज़रिए लोग इससे महफूज रह सकते हैं और मास्क ही के ज़रिए इसको क्या कहते हैं संभाला जा सकता है। और हमारी हुकूमत की जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन में भी मास्क को बड़ी अहमियत दी गई है, लिहाजा मुनासिब ये था कि हम इसमें पहल करें और हम लोगों ने इसमें पहल करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहा। बहुत से लोगों ने क्या किया, इसमें मास्क इस्तेमाल भी किया, लिया भी, तकसीम भी किया और बहुत से लोगों ने यह अहद भी किया कि हम सड़कों में, बाज़ार में कहीं भी रहेंगे तो मास्क लगा कर रहेंगे और ये बेहतरीन चीज़ है। हम ये अपने तरफ से, ये अपने मोमिन भाइयों से और ख़ासकर हिंदुस्तान वासियों से दरख्वास्त भी करते हैं कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ और एक दूसरे को मास्क लगाने की तलकीन भी करें और ख़ुद भी लगाएं, इसलिए कि एहतियात से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हमें हर महाज पर एहतियात की ज़रूरत है, लिहाजा हम एहतियाती तदाबीर जितने भी हुकूमत की तरफ से हो या किसी और जानिब से हो अगर अच्छी है तो हमें अमल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम चाहते हैं और आपकी जनता टीवी के माध्यम से हम पूरे मुल्क के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जहाँ तक एहतियाती तदाबीर की बात है आप हुकूमत के गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल करें, इसमें हमारी भलाई है। हम चाहते हैं कि इस मर्ज से हमको लड़ना है तो हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा, उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप मास्क लगाएं ताकि आप इस मौलिक वबा से बच सकें। बात आई है तो रमज़ान, ईद सामने है तो ईद के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? ईद के लिए ख़ासकर जो हम सबसे बड़ी चीज़, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हम हुकूमत के तमाम तर कवानीन पे हम अमल करते हैं, हमारी हुकूमत जो हमको जो गाइडलाइन देगी हम इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अभी जहाँ तक हमने क्यों कौन सी राह इख्तियार की है इस पर हम मुकम्मल आपको नहीं बता सकते हैं कि हमने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया या कौन सा तरीक़ा कार बनाया, लेकिन हाँ ये तरीक़ा तो ज़रूर रहेगा कि हमारे मस्जिद में जितने लोग नमाज़ पढ़ने आएँगे ईद की उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो मास्क लगा कर ज़रूर आएँगे। ठीक है, राधे कृष्ण।
हकीम ने एक मशवरा दिया है कि जमात बढ़ा ली जाए, जैसे एक या दो या चार कर लिया जाए तो उससे क्या है कि भीड़ नहीं होगी। इसलिए हमारे साथ आरिफ साहब है, एडवोकेट, मशहूर एडवोकेट आरिफ साहब है। आरिफ साहब, ये बताइए कि आज आप लोग कमेटी की तरफ से ये मास बांटा गया, उसके बारे में लोगों को क्या आप कहना चाह रही हैं? सबसे पहले आप लोग जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आप आए इस मुहिम में, हम लोग का साथ दिए। और जैसा आपने सुना हमारे इमाम साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना बरकत अली साहब से, हम हमारी पूरी कमेटी, हमारे सदर साहब इसमें इत्तेफाक रखते हैं। और ये मास्क जो है वो सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है इस वक्त महामारी के दौर में, जहाँ लोगों को कमाई, जहाँ लोगों की कमाई अर्निंग्स कम हो गई है, जहाँ पर हॉस्पिटल का खर्चा बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जहाँ हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आने का हमारा गारंटी नहीं है, वहाँ मास्क की सबसे बड़ा हथियार है, जो अगर हम लोग पहन के रहेंगे तो हम भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में जामा मस्जिद ये मुहिम चलाई है और इंशाल्लाह ताला दो दिन बाद फिर हम लोग यहीं पर खड़े होकर इंशाल्लाह ताला मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और ये ताखीद से हम लोग ये कर रहे हैं कि आप मास्क लगाकर मस्जिद में आए और जाएं, और बाज़ार में खासकर जहां ये आबादी में, गंजाम आबादी में, और अभी फेस्टिवल हमारा रमज़ान चल रहा है तो यहाँ पर ज़रा सा सोशल डिस्टेंसिंग पर असर आ रहा है, मगर मास्क अगर रहे तो मास्क के ऊपर हमारी चीफ मिनिस्टर भी मास्क पर तलकीन की है, और हम लोगों को भी चाहिए कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पहने, ना कि पॉकेट में रखें। और जहाँ तक बात है ईद के मामला है, नमाज का है, तो गाइडलाइन शायद कल एक मीटिंग होने वाली है नवन्नों में हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा इमाम साहबों से लेकर, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला हम लोग भी दो तीन दिन बाद हमारी कमेटी भी बैठ जाएगी। और मस्जिदों में हम ये बता रहे हैं कि मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का भरपूर ख्याल करते हुए हम लोग मस्जिद में एक या दो जमात इंशाल्लाह ताला करेंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि रास्ते में नमाज हो। हम लोग चाहेंगे कि मस्जिद में, हमारी मस्जिद में बहुत जगह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 फ्लोर हमारे पास है, तो मस्जिद रास्ते का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा हम लोग कोशिश करेंगे एक जमात हो, बड़ी जमात हो या दो जमात हो, हम लोग अंदर में करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये काम होगा। और ये मुहिम जो आप चलाए हैं आज से शुरू किया है, कब तक चलाएंगे? अब ये मुहिम आप तो आप देखें, आप थोड़ी देर कर दिए, ये मुहिम बहुत कामयाब रहा था। इस वक्त इमाम साहब हमारे इमाम साहब के हाथों से ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और सारे लोग ले रहे थे और पहन रहे थे। तो यही मुहिम इंशाल्लाह ताला परसों भी, हम लोग एक दिन बाद भी, और कल हम लोग अपने जेब खास से हम लोग मास्क खरीदेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और सारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे सब की जिम्मेदारी है कि ये मुहिम चलाए, ताकि सब तरफ से ये ऐलान एक हो जाए कि मास्क कंपलसरी कर दिया जाए, मास्क पहने और अपने आप को बचाएँ और दूसरों से बचें। तो ये थे, आपने सुना इमाम साहब ने जो कहा, और कमेटी के जो अराकीन मेंबर है और सेक्रेटरी है, और उन्होंने भी कहा कि जो फैसला दीदी का होगा, ममता बनर्जी का जो फैसला होगा नमाज के सिलसिले में, वही हम लोग उसी पर चलेंगे। उन्होंने ये भी साथ में पहले से कह दिया है कि हमारी कोशिश होगी कि रास्ते पर नमाज ना हो, उसकी जगह में मस्जिद में कई फ्लोर है, कई जगह है, काफ़ी जगह है, 2-3 मरहला में अगर किया जाए तो यहाँ पर नमाज हो सकती है। बहुत शुक्रिया इमाम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आरिफ साहब बहुत 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 शुक्रिया। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।